प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण और मन की बात में स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वे लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि सभी अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें ताकि देश को स्वच्छ व साफ सुथरा बनाया जा सके। इसी कड़ी में सोलन के बड़ोक के साथ लगते क्षेत्र में एक निजी संस्था के सौजन्य से और भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों के सहयोग से कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर डस्टबिन स्थापित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल विशेष रूप से मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सोलन के बड़ोक के साथ लगते क्षेत्र में एक निजी संस्था के सौजन्य से व भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों के सहयोग से कालका से शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर डस्टबिन लगाकर कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। कूड़ेदान के आसपास करीब 4 फलदार पौधे भी रोपित किए गए हैं, जिसमें से एक पौधा स्वास्थ्य मंत्री ने लगाया। मीडिया से बात करते हुए राजीव सैजल ने कहा कि जब भी पर्यटक हिमाचल आते हैं तो अपने साथ कूड़ा करकट साथ लेकर आते हैं। उन्हें सड़कों पर कूड़ा फेंकने के लिए स्थान नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कूड़े की समस्या हिमाचल में देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि परवाणु से लेकर हिमाचल के ऊपरी छोर तक ड्रेन पूरी तरह से भरी हुई होती है, लेकिन अब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर डस्टबिन लग जाने से ये समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संस्थाएं आगे आ रही है, उसी तरह से सभी लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि एक स्वच्छ भारत व स्वच्छ हिमाचल के सपने को साकार किया जा सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाते हुए एक प्रयास संस्था के द्वारा ये हमारा जो नेशनल हाईवे है, इसके साथ साथ डस्टबिन लगाने का जो है एक इनिशिएटिव जो है ये प्रारंभ किया गया है। हमारे साथ यहाँ इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं श्री अंकुर सूद और हमारे जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र ठाकुर और इनके सभी साथियों ने ये डस्टबिन लगाने का जो है वो फैसला किया है। और आज इसकी शुरुआत जो है बड़ोक के साथ बिल्कुल जहाँ पर इस स्थान के ऊपर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ काफ़ी टूरिस्ट जो है हम रुकते हैं। टूरिस्ट जो है जब आते हैं तो जो गार्बेज होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। अब उनके पास एक ऑप्शन हो जाएगी, एक विकल्प हो जाएगा, उस गार्बेज को सड़क पर ना फेंक करके अब इन डस्टबिन्स में जो है वो डालेंगे। हम अगर देखें परमाणु से ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो हमारा एरिया जो शुरू होता है, क्षेत्र शुरू होता है, और जो हमारी ड्रेन है शिमला तक, यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि संपूर्ण ड्रेन जो है वो गार्बेज के साथ भरी हुई है। ये वो गार्बेज है, टूरिस्ट अपने साथ लेकर के आते हैं, गाड़ी में खाते हैं और जो ट्रैश है उसको जो है ड्रेन में जो है उसको डंप कर देते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसी जो है अब समस्या नहीं होगी, अब उनके पास एक विकल्प है और मैं समझता हूँ स्वच्छता की दिशा में जो है एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर प्रयास है। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही जो है हम कहें कि बड़े पैमाने पर जो है स्वच्छता अभियान को जो है पूरे प्रदेश में गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।